हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे सेकंड प्रकार के तंत्र जिसे लसिका तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में दूसरे प्रकार का जो तंत्र पाया जाता है, जो परिसंचरण का कार्य करता है, उसे हम लसिका तंत्र कहेंगे। और मनुष्य के अंदर लसिका तंत्र होता है, उसका निर्माण होता है वह निम्नलिखित तीन संरचनाओं से होता है, लसिका, लसिका वाहिनियाँ एवं लसिका पर्व। ये तीनों संरचनाएँ मिलकर के मनुष्य के अंदर लसिका तंत्र का निर्माण करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लसिका किसे कहा जाता है। तो पहला हमारा भाग होगा जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहा जाता है। तो लसिका किसे कहेंगे, तो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं या रुधिर केशिकाएँ होती हैं, वह शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक नहीं पहुँच पाती हैं। ये रुधिर केशिकाएँ हैं, ये रुधिर केशिकाएँ शरीर के प्रत्येक कोशिकांग तक या प्रत्येक जो आपको ध्यान रखना है अंग होता है, उत्तक होता है, उत्तक तक नहीं पहुँचती है। इन केशिकाओं से प्लाज्मा एवं, ध्यान दीजिए, इन केशिकाओं से प्लाज्मा एवं WBC बाहर निकल करके तरल के रूप में उत्कों के मध्य पहुँचती हैं। यहाँ से बाहर निकलती हैं और किसके मध्य पहुँचेगी, उत्कों के मध्य पहुँचेगी, उत्कों के मध्य पहुँचती है। तो इस प्रकार का होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो ये उत्कों के मध्य जो तरल पदार्थ पहुँचता है उसे हम लसिका के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए किसे कहेंगे लसिका, तो आपको क्या ध्यान रखना है, शरीर में उपस्थित रुधिर केशिकाएं होती हैं और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती हैं। इन रुधिर केशिकाओं से प्लाज्मा एवं WBC तरल के रूप में उत्कों के मध्य पहुंचता है, इस तरल को हम लसिका कहा जाता है। लसिका होता है यह हल्का क्षारीय होता है, यानी हल्का क्षारीय प्रकृति का होगा, हल्का क्षारीय रंगहीन, क्योंकि इसमें RBC नहीं होती है, इस कारण से रंगहीन होता है, रंगहीन एवं आपको ध्यान रखना है, रंगहीन होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना तरल पदार्थ होता है, यानी सहवनी तरल होता है। तो इस प्रकार का तरल होगा, उस तरल को हम क्या कहेंगे, लसिका कहा जाता है। लसिका होती हैं, इसमें आप ध्यान देंगे तो WBC एवं क्या उपस्थित होती हैं, एवं प्लाज्मा उपस्थित होता है। इसमें WBC उपस्थित होती हैं और क्या उपस्थित होता है, प्लाज्मा उपस्थित होता है। जबकि इसमें आप ध्यान देंगे तो RBC एवं प्लेटलेट्स का अभाव होता है, RBC एवं प्लेटलेट्स का इसमें अभाव होता है, प्लेटलेट्स का इसमें क्या होगा, अभाव होता है, अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें RBC और प्लेटलेट्स होंगे वे अनुपस्थित होंगे, WBC और प्लाज्मा उपस्थित होते हैं। इनका संगठन होता है वो प्लाज्मा के समान होता है, संगठन होगा वह किसके समान होता है, प्लाज्मा के समान होता है, यानी इनका संगठन होगा वो प्लाज्मा के समान होता है। परंतु इसमें दो डिफरेंस ध्यान रखनी है प्लाज्मा की तुलना में, एक डिफरेंस ये ध्यान रखनी है कि प्लाज्मा की तुलना में लसिका होती है उसके अंदर जो है वो आपको देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, CO2 है या अन्य जो पदार्थ है वे अपशिष्ट पदार्थ होंगे, वह अधिक मात्रा में होते हैं। जबकि प्रोटीन होगा वह प्रोटीन या कैल्शियम या फॉस्फेट होता है, इनकी मात्रा होती है अपेक्षाकृत कम होती हैं। तो प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस इत्यादि जैसे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों की मात्रा इसमें कम होती हैं। जबकि आप ध्यान देंगे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे CO2 है या यूरिया है, इस प्रकार के पदार्थों की मात्रा इसमें अधिक होती है। इस भाग को हम क्या कहेंगे, लसिका कहा जाता है। लसिका होती हैं, यह लसिका शरीर में विभिन्न ऊतकों के मध्य और केशिकाओं के मध्य जो आदान प्रदान का कार्य है वह इनके द्वारा किया जाता है। ये तो पहला भाग हो गया किसके बारे में, लसिका के बारे में किसे कहा जाता है। अब दूसरा इसका भाग है वो कौन सा हो जाएगा, लसिका वाहिनियाँ। तो सेकंड भाग हमें ध्यान रखना है, लसिका वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ। देखो ध्यान दें, पूरे शरीर के अंदर लसिका तंत्र होता है, उस लसिका तंत्र की छोटी छोटी केशिकाएं फैली हुई रहती हैं, यानी इनकी छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं वे पूरे शरीर में फैली हुई रहती हैं। इन केशिकाएं होती हैं, इन केशिकाओं का एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा होता है, वह आपस में मिलकर के ये लसिका केशिकाएं होती हैं, वे बहुत सारी लसिका केशिकाएं आपस में मिलकर के और किसका निर्माण करती हैं, लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेगी, लसिका वाहिनी का निर्माण करती हैं। लसिका वाहिनियाँ होती हैं वह संरचना में किसके समान होती हैं, संरचना में सिरा के समान होती हैं,
संरचना में किसके समान होती हैं? सिराओं के समान होती हैं। यानी जिस प्रकार से सिराओं की संरचना होती है उन सिराओं की संरचना के समान इनकी संरचना होती है। और इनमें भी परिवहन होता है वो एक ही दिशा में होता है, शरीर के विभिन्न अंगों से यह हृदय की ओर या आप ध्यान देंगे सिराओं में आकर के खुलती हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर आने का कार्य करती हैं, इन्हें सिराओं के समान कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से इनका कार्य होता है वो भी किसके समान होता है? सिराओं के समान। और संरचना भी किसके समान होती है? सिराओं के समान होती है। ये लसिका केशिकाएं मिलकर के जो लसिका वाहिनियाँ बनाती हैं ये आगे जाकर के दो मुख्य लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। एक लसिका वाहिनी है जिसे हम क्या कहेंगे? बाई लसिका वाहिनी कहा जाता है। एक लसिका वाहिनी जिसे हम क्या कहेंगे? बाई लसिका वाहिनी कहेंगे। और दूसरी लसिका वाहिनी होती है जिसे हम क्या कहेंगे? दाई लसिका वाहिनी कहते हैं। तो इस प्रकार से लसिका वाहिनियाँ मिलकर के दो लसिका वाहिनियों का निर्माण करती है, बाई लसिका वाहिनी एवं दाई लसिका वाहिनी। हमें डायग्राम से हमें दिख रहा है कि एक लसिका वाहिनी है जो कि बाएं भाग में उपस्थित है उसे हम बाई लसिका वाहिनी कहेंगे, जबकि दूसरी दाएं भाग में उपस्थित उसे दाई लसिका वाहिनी के नाम से जाना जाता है। पहली आपको ध्यान रखनी है बाई लसिका वाहिनी। यह लसिका वाहिनी होती है वो बाएं भाग के सिर, बाएं सिर गिरवा एवं वक्ष भाग में, बाएं सिर गिरवा एवं वक्ष भाग में, बाएं अग्रपाद में, बाएं अग्रपाद दोनों पक्षपाद एवं आहारनाल, इन सभी से जो लसिका होता है उनको एकत्रित करके और सिरा तंत्र में पहुंचाने का कार्य करती है वो कौन सी करती हैं? बाई लसिका वाहिनी करती हैं। तो बाई लसिका वाहिनी होगी ये बाएं सिर गिरवा वक्ष बाएं अग्रपाद दोनों पक्षपाद तथा आहारनाल से आपको ध्यान रखना है लसिका को एकत्रित करके और किस में पहुँचाती हैं? तो सिरा तंत्र में पहुँचाती हैं। ये वाहिनियाँ होती हैं आगे जाकर के सिरा तंत्र में खुलती हैं। यह जो बाई लसिका वाहिनी होती हैं यह बाई लसिका वाहिनी ऊपर भाग में यानी ऊपरी भाग में ये खुलती हैं वो बाई अधोजत्रुक सिरा में खुलती हैं। तो सिरा तंत्र में कौन से भाग में खुलेगी? बाई अधोजत्रुक सिरा में खुलती है। जबकि नीचे की ओर इसमें आप ध्यान देंगे तो एक थैलेनुमा संरचना उपस्थित होती है जो कि डायफ्राम के पीछे की ओर उपस्थित होती है। और डायफ्राम के पीछे की ओर उपस्थित जो थैलेनुमा संरचना होती है उस थैलेनुमा संरचना को हम सिस्टर्ना काइलाई के नाम से जानते हैं। तो ये सिस्टर्ना काइलाई नामक संरचना उपस्थित होती है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो यह लसिका वाहिनी होती है यह लसिका वाहिनी बड़ी लसिका वाहिनी होती है अपेक्षाकृत दाई लसिका वाहिनी की तुलना में। अब सेकंड हम ध्यान देंगे कौन सी? दाई लसिका वाहिनी। दाई लसिका वाहिनी होती है यह लसिका वाहिनी कौन कौन से भागों में उपस्थित होती है? तो आप ध्यान देंगे यह बाएं दाई है तो दाएं सिर में होगी, दाएं सिर वक्ष एवं गिरवा, दाएं सिर वक्ष एवं गिरवा, दाएं सिर वक्ष एवं गिरवा भाग में आने वाली वाहिनियाँ होती हैं केशिकाएं होती हैं वो इसमें खुलती हैं। एवं आपको ध्यान रखना है जो दाएं अग्रपाद होता है उस दाएं अग्रपाद से आने वाली वाहिनियाँ भी इसमें आकर के खुलती हैं। तो दाएं अग्रपाद वक्ष गिरवा एवं सिर भाग होते हैं उनसे आने वाली वाहिनियाँ होती हैं वह दाएं लसिका वाहिनी में खुलती है। यह लसिका वाहिनी होती है यह दाई गिरवा सिरा एवं दाई अधोजत्रुक सिरा होती हैं उनके संधि स्थल पर आकर के और सिरा तंत्र में खुल जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सिरा तंत्र में खुलेगी और सिराएं जाकर किस में खुलेगी? हृदय में। तो यहाँ से रुधिर वापस सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी उसमें आपको ध्यान रखना लसिका वाहिनियों के बारे में। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए तीसरी संरचना होती है वो कौन सी उपस्थित होती है? लसिका गांठें। तीसरी संरचना कौन सी उपस्थित होती है? लसिका गांठें उपस्थित होती हैं या जिसे हम लसिका पर्व कहा जाता है। आप ध्यान देंगे तो लसिका वाहिनियाँ होती हैं उन लसिका वाहिनियों में जगह जगह पर गांठें उपस्थित होती हैं और इन गांठों को हम क्या कहते हैं? लसिका गांठें या लसिका पर्व कहा जाता है। और ये लसिका पर्व या लसिका गांठें होती हैं उसमें लसिकाणुओं का निर्माण होता है। तो ये किसका निर्माण करेंगे? लसिकाणुओं का एवं लसिका का निर्माण करते हैं। तो ये लसिका का निर्माण करेंगे एवं किसका निर्माण करेंगे? लसिकाणुओं का निर्माण करते हैं। लसिका एवं लसिकाणुओं का निर्माण करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? लसिका पर्व के द्वारा किया जाता है, लसिका गांठों के द्वारा किया जाता है। लसिका गांठें होती हैं इसमें उपस्थित जो लसिकाणु होते हैं वो एंटीबॉडीज निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और लसिका पर्व होंगे इन लसिका पर्वों की संख्या होती है वो टॉन्सिल्स में, पेयर पेसेज में,
अधिक होती हैं वक्स भाग में, तो इनकी संख्या होगी वक्स भाग में, टॉन्सिल में, पैर पैसेज में अधिक होती हैं। हमने पढ़ा था कि मुख में चार प्रकार की टॉन्सिल उपस्थित होते हैं, उन टॉन्सिल्स के अंदर भी क्या उपस्थित होते हैं, लसीकाणु उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था छोटी आंत्र के बारे में, ईलियम भाग के अंदर पैर पैचेज उपस्थित होते हैं, जो कि किसका उदाहरण है, लसीकाणुओं का उदाहरण है। तो ये कुछ लसीकाणुओं के उदाहरण है जहाँ पर लसीकाणुओं का निर्माण होता है, लसीका गांठें उपस्थित अधिक मात्रा में होती हैं। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि लसीका होता है उसका कार्य क्या होता है। तो लसीका का कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को केशिका एवं जो रुधिर तंत्र होता है उस तक पहुँचाने का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त आहार नाल में अवशोषित पोषक पदार्थ होते हैं, उन अवशोषित पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। हमने पढ़ा था लैक्टियल वाहिनी होती है, उसके द्वारा वसा एवं वसीय अम्ल होते हैं, उन वसा एवं वसीय अम्लों को अवशोषित करके और यकृत एवं अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, जो शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो ये था एक प्रकार का और तंत्र जिसे हम लसिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे मनुष्य के अंदर परिसंचरण तंत्र संबंधित कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।